नमस्कार। तो हमने चैप्टर शुरू किया था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हमने पहला फार्मूला देखा था जनरल टर्म का, मतलब nth टर्म का। tn इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और फिर इसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हमने देखे थे। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाउ मैनी टू डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय थ्री? तो ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पे टू डिजिट नंबर्स जो तीन से डिविजिबल हैं। अब दो डिजिट के नंबर्स स्टार्ट कहाँ से होते हैं? 10 से, है ना? तो 10 3 से डिविजिबल नहीं है, 11 3 से डिविजिबल नहीं है, लेकिन 12 डिविजिबल है। तो टू डिजिट नंबर जो कि 3 से डिविजिबल हैं, वो कहाँ से स्टार्ट होंगे? वो स्टार्ट होंगे 12 से। 12 के बाद अगला नंबर जो कि 3 से डिविजिबल है 15 है, अगला 18 है, फिर 21 है। मतलब ये एक्चुअली 3 की टेबल वाले नंबर्स हैं, है ना? अच्छा, लास्ट वाले में देखें, लास्ट टू डिजिट नंबर होता है 99, क्योंकि उसके बाद में 100, मतलब तीन डिजिट का शुरू हो जाता है, और 99 तो डिविजिबल है 3 से। तो इसका लास्ट नंबर वो 99 है। अब हमको लास्ट नंबर मालूम है, फर्स्ट नंबर मालूम है, और हम कॉमन डिफरेंस भी ये निकाल सकते हैं 3 है। तो यहाँ से नंबर ऑफ टर्म्स हम निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें यही पूछा हुआ है हाउ मैनी टर्म्स आर देयर। तो यहाँ से a इज इक्वल टू, ये हो गया 12, d इज इक्वल टू 15 माइनस 12, मीन दिस इज इक्वल टू 3, और लेट tn इज इक्वल टू 99। हमको n की वैल्यू निकालनी है। tn मतलब a प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 99। a की वैल्यू 12 प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज 3 इज इक्वल टू 99। इसको उधर शिफ्ट किया तो n माइनस वन इंटू 3 इज इक्वल टू 99 माइनस 12। इसमें से अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 87 आ जाएगा, राइट? अब n माइनस वन विल बी इक्वल टू 87 डिविजिबल बाय डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि इसको जब उधर ले जाएंगे तो 3 डिनोमिनेटर में आ गया। तो दिस इज 2 टाइम्स 6, 27 बचा, मतलब 9 टाइम्स, सो 29। सो n विल बी इक्वल टू 29, और इस माइनस वन को शिफ्ट किया तो प्लस वन इज इक्वल टू 30। मतलब इसके अंदर जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं टू डिजिट्स की, जो कि 3 से डिविजिबल हैं, वो 30 टर्म्स हैं। 30 टर्म्स ऐसी हैं जो टू डिजिट की हैं और जो डिविजिबल हैं 3 से, ठीक है? चलिए आगे देखें। फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट। ये फिर से एक अलग टाइप का क्वेश्चन हो गया, है ना? तो चलिए इसको देखें। फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी। तो यहां पे इसको दो तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले हम ये देखें कि देखिए, अगर हम जनरल एपी देखें, ए
ए प्लस डी, ए प्लस टू डी एंड सो ऑन। यहां पे हर टर्म डी से बढ़ती चली जा रही है, मतलब प्लस डी कर रहे हैं तो ये टर्म आ रही है। इसका मतलब अगर लास्ट टर्म हमारे पास में एल हो तो इसके पहले वाली टर्म इससे डी कम होगी, मीन्स एल माइनस डी होगी। इससे पहले वाली टर्म एल माइनस टू डी होगी। तो अगर हम लास्ट टर्म से nth टर्म निकालें, सो देयरफॉर nth टर्म फ्रॉम एंड विल बी, अब यहां से अगर इसको देखें तो यह हो जाएगा एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी, ये nth टर्म फ्रॉम द एंड हो जाएगा। अब यहां पे देखिए, इसके अंदर a दिया हुआ है, a इज इक्वल टू दिस इज 10, d इज इक्वल टू 7 माइनस 10 विच इज इक्वल टू माइनस 3 एंड लास्ट टर्म l इज गिवन टू इक्वल टू माइनस 62। तो अगर हमको 11th टर्म फ्रॉम एंड चाहिए तो हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। सो देयरफॉर 11th टर्म फ्रॉम एंड विल बी इक्वल टू L minus N minus 1 into D means L is minus 62 minus 11th. So this will be 11 minus 1 into, और यहां पे D दिया हुआ है minus 3, means this will be minus 62 minus 10 into minus 3, लेकिन 10 into minus 3 ये minus minus plus हो जाएगा, so this is minus 62 and plus 30, so this will be equal to minus 32. तो 11वीं term अगर हम and से लेंगे तो ये minus 32 हो जाएगी। ये एक तरीका है। हम एक तरीका और निकाल सकते हैं, वो तरीका क्या होगा? अब देखिए, अगर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 टर्म्स दी हुई हैं, यहां से अगर हम तीसरी टर्म देखें, लास्ट से तीसरी टर्म, तो ये शुरू से कितनी टर्म? पांचवीं टर्म बन रही है। ये means third term from the last is becoming fifth term from the beginning. तो यहां से हम अपना फॉर्मूला खुद बना सकते हैं कि यहां से अगर pth term है तो third term from last, third term from last is equal to fifth term from beginning है ना। अच्छा, अगर इसमें हम total number of terms को n लें, n terms है और ये pth term from the last है, तो pth term from last। अब देखिए, इस 7 को, ये fifth term from the beginning, इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसमें total 7 terms है, तो 7 में से अगर हम
ये तीन को सब्ट्रैक्ट कर दें, सात में से तीन को सब्ट्रैक्ट कर दें, ठीक है, तो ये हो गया फोर, और इसमें प्लस वन कर दें तो ये फिफ्थ टर्म आ जाती है। तो एपीएथ टर्म फ्रॉम द लास्ट विल बी इक्वल टू, अब देखिए ये सेवन, सेवन क्या है, एन एन, और माइनस पीएथ टर्म फ्रॉम द लास्ट अगर ले रहे हैं तो माइनस पी, और फिर उसके बाद में प्लस वन, टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, मीन्स पीएथ टर्म फ्रॉम लास्ट, पीएथ टर्म फ्रॉम लास्ट इज इक्वल टू टी एन माइनस पी प्लस वन। तो ये हम अपना फॉर्मूला बना सकते हैं डायरेक्ट निकालने के लिए, एक तो तरीका ये फॉर्मूले से, दूसरा तरीका अगर फ्रॉम द बिगिनिंग हमको निकालना है तो इससे भी हम निकाल सकते हैं, एंड वी आर गोइंग टू गेट द सेम आंसर। ओके, तो ये दो तरीके हैं। चलिए आगे देखें, अब वर्ड प्रॉब्लम्स की बारी। ए सम ऑफ रुपीज 1000 इज इन्वेस्टेड एट 8% सिंपल इंटरेस्ट पर ईयर, कैलकुलेट द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ ईच ईयर, डू दीज इंटरेस्ट फॉर्म एन एपी, सो इफ सो फाइंड द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30 years, मेकिंग यूज ऑफ दिस फैक्ट। तो देखिए यहां पे अगर प्रिंसिपल पी इज इक्वल टू 1000 है ना, और आर इज इक्वल टू 8%, ठीक है, कैलकुलेट द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ ईच ईयर, सो इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर इज इक्वल टू, अब ये इंटरेस्ट मतलब सिंपल इंटरेस्ट, सो सिंपल इंटरेस्ट विल बी पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, मतलब 1000 इंटू आर इज 8 इंटू टाइम इज 1 year अपॉन 100, सो दिस विल कैंसिल, सो दिस इज इक्वल टू 80, है ना। फिर इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, सो दिस विल बी पी मतलब 1000 इंटू आर इज 8% इंटू टाइम, ये अब 2 साल हो गया, 2 साल के बाद में एट दिस अपॉन 100, दिस टू विल कैंसल, सो दिस इज इक्वल टू 160। देन इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, सो दिस विल बी 1000 इंटू 8 इंटू 3 अपॉन 100, ये वापस से ये कैंसिल हो गया, सो दिस इज 240 रुपीज। अब देखिए 80, 60, 240, इनमें सब में 80 रुपीज का डिफरेंस है, तो ये एपी बन रही है, एपी है 80, 160,
240 एंड सो ऑन। अब यहाँ पे डू दिस इंटरेस्ट फॉर्म एन एपी, क्या इंटरेस्ट एपी फॉर्म कर रहे हैं? आंसर विल बी यस, दे आर फॉर्मिंग एपी। सो फाइंड द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30 इयर्स, मतलब हमको टी 30 चाहिए। यहाँ पे ए इज इक्वल टू है 80, टी इज इक्वल टू भी 80 और हमको चाहिए टी 30। 30 साल में क्या इंटरेस्ट होगा ये निकालना है। तो दिस इज ए प्लस 30 माइनस 1 इनटू डी, मीन दिस विल बी 80 प्लस 30 माइनस 1 मीन्स 29 इनटू डी इज आल्सो 80 कॉमन ले लिया, तो 80 कॉमन लिया तो यहाँ से बचा 1 प्लस इधर 29, मतलब 30 हो गया। सो दिस इज 80 इंटू 30, सो दिस विल बी 2400। तो 30वें साल का इंटरेस्ट ये 2400 रुपए हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखें, Which term of the AP is 78? अब ये आपके NCERT बुक के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं। तो इसमें A is equal to 3, D is equal to 8 minus 3 which is 5, और इसकी कौन सी टर्म है ये निकालना है। सो वी विल सपोज दैट लेट Tn इज इक्वल टू 78, n की वैल्यू निकालनी है। तो Tn होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 78, a की जगह 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की जगह यहाँ पे 5 दिया हुआ है इज इक्वल टू 78। सो एन माइनस 1 इंटू 5 इज इक्वल टू 78 माइनस 3 विच इज 75। तो एन माइनस 1 इज इक्वल टू 75 अपॉन 5, सो दिस विल बी इक्वल टू 15। सो एन विल बी इक्वल टू 15 और ये माइनस 1 उधर गया तो प्लस हो गया, मीन 16 हो गया। तो ये 78 इस एपी की 16वीं टर्म होगी, ठीक है। चलिए आगे देखें, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी। यहाँ पे भी नंबर ऑफ टर्म्स पूछी है, तो ये क्वेश्चन भी पिछले क्वेश्चन जैसा हो जाएगा। ए की वैल्यू 7, डी की वैल्यू 13 माइनस 7 मीन्स 6 है, और लेट Tn इज इक्वल टू 205 ये दिया हुआ है। n की वैल्यू निकालनी है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। सो Tn इज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 205, a की जगह 7 प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज 6 इज इक्वल टू 205। सो n माइनस 1 इंटू 6 इज इक्वल टू 205, इस 7 को उधर शिफ्ट किया तो माइनस 7 मीन दिस विल बी 198, राइट। सो n माइनस 1 विल बी इक्वल टू 198 डिवाइडेड बाय 6, so this will be 3 times 18, then again 3 times 18, and this one will be shifted here, so n is equal to 33 plus 1 means this is 34. So 205 ye 34th term hogi, matlab 34th term iski hogi. Chaliye aage dekhen, check whether minus 150 is the term of AP. अब यहाँ पे इस तरह का क्वेश्चन हम कर चुके हैं, अगर n की वैल्यू नेचुरल नंबर आती है
तो ये टर्म है, और नहीं तो अगर नेगेटिव या फिर फ्रैक्शन में आती है तो ये टर्म नहीं होगी एपी की. लेट अस डू दिस. सो इन सॉल्यूशन फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट व्हाट इज ए. ए इज इक्वल टू 11 और डी दिस इज 8 माइनस 11 मींस दिस इज माइनस 3 और लेट Tn is equal to minus 150. n की वैल्यू निकालेंगे सबसे पहले, फिर निकालेंगे कि टर्म क्या होगी. तो Tn मतलब a plus n minus 1 into d is equal to minus 150. a is 11 plus n minus 1 into d is minus 3 is equal to minus 150. Therefore, n minus 1 into minus 3 is equal to minus 150, and this will be shifted there. So, minus 11 means 161, minus 161. So, n minus 1 will be equal to, this is minus 161 divided by minus 3. ये minus minus cancel हो गया. इसको जब divide करेंगे तो 5 times 15 होगा, फिर 11 बच रहा है, तो 3 times 9 हो गया, और 2 integer 3. इसको 1 को जब उधर shift करेंगे तो n minus n is equal to 53 integer 2 by 3, and when this is shifted on the other side, so plus 1 means this will become 54 integer 2 by 3, which is fraction. तो ये fraction में number of terms कभी होती नहीं है. कभी अपन ने देखा क्या साढ़े बारहवीं term हो, साढ़े पंद्रहवीं term हो, ऐसा नहीं होता है. तो fraction में number of terms नहीं हो सकती. Therefore, we will write, therefore, minus 150 is not a term of given AP. इसकी term नहीं होगी, ठीक है? चलिए आगे देखें. Find the 31st term of AP, whose 11th term is given and 16th term is given. हमने इस तरह का क्वेश्चन देखा है. इसमें दो इक्वेशंस बनेंगी ए और डी में, दोनों को सॉल्व कर लो, ए और डी निकल जाएगा. ए और डी निकल गया तो हम 31st term निकाल सकते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इन सॉल्यूशन टी 11 इज इक्वल टू 38 and 16th term means t 16 is equal to 73. So this will imply t 11 means a plus 11 minus 1 matlab 10 d is equal to 38. So this is first equation. Then this implies t 16 means a plus 16 minus 1 matlab 15 d is equal to 73, second equation. अब अगर इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दें तो a a will cancel. So equation 2 minus 1 implies a plus 15d is equal to 73 and a plus 10d is equal to 38. दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो साइन बदल जाएंगे. ए से ए कैंसिल हो गया. 15d माइनस 10d इज 5d इज इक्वल टू, और यहाँ पे इसको अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये 5 आ गया, और 6 में से 3 गया तो 3 आ गया. सो d इज इक्वल टू 35 अपॉन 5 मींस दिस इज इक्वल टू 7. ये d की वैल्यू हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दें तो इक्वेशन 1 इंप्लाइज
ए प्लस टेन इंटू डी मीन्स टेन इंटू सेवन इज इक्वल टू 38, तो ए इज इक्वल टू 38 माइनस 70, ठीक है. सो दिस विल बी माइनस 2 हियर एंड देन 3 हियर, तो माइनस 32, ए की वैल्यू माइनस 32 आ गई और डी की वैल्यू ये 7 आ गई. तो अब हम 31वीं टर्म निकाल सकते हैं. मीन्स देयर फोर T31 विल बी ए प्लस 31 माइनस 1 इंटू डी मीन्स ए प्लस 30D इज माइनस 32 प्लस 30 इंटू डी इज 7 means this is minus 32 plus 32 and plus 210 में से अगर हम 32 को subtract कर दें तो ये आ जाएगा 178. इसमें से गया 8 और यहाँ से 10 में से 3 गया तो 7 और 178. तो 31st term this will be 178. Okay? तो इस तरह के questions हम ऐसे कर सकते हैं. चलिए आगे देखें. The 17th term of an AP exceeds its 10th term by 7. Find the common difference. तो देखिए इसमें क्वेश्चंस को पढ़ के हमको समझ में आना चाहिए कि 17th टर्म मतलब T17 एक्सीड्स द 10th टर्म मतलब ये T10 से कितनी ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है. मीन्स T10 प्लस 7. T17 होता है A प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू T10 होगा A प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी एंड प्लस 7. A से A कैंसिल हो गया. 17 माइनस 1 मीन 16D इज इक्वल टू हियर दिस इज 9D प्लस 7. 9D को इधर शिफ्ट कर लें तो 16D माइनस 9D इज इक्वल टू 7 मीन्स 7D इज इक्वल टू 7. सो D इज इक्वल टू 1. D की वैल्यू यहाँ से हमारे पास में आ गई 1, ठीक है. चलिए आगे देखें. विच टर्म ऑफ AP विल बी 132 मोर देन 54th टर्म. तो विच टर्म ऑफ AP विल बी 132 मोर देन 58th टर्म. तो सबसे पहले तो इस AP में हम देखेंगे A इज इक्वल टू 3 है, D वो 15 माइनस 3 मतलब 12 हो गया. इसकी हम सबसे पहले 54th टर्म निकाल लें. तो T54 ये हो जाएगा A प्लस 54 माइनस 1 इंटू डी मीन्स A प्लस 53D. A की वैल्यू 3 ये यहाँ पे रख दी और D की वैल्यू है 12 ये यहाँ पे रख दी. 12 इंटू 3 36, 3 बचा. 12 इंटू 5 60 प्लस 3 मीन 63 और इसको इसको ऐड कर दिया तो ये हमारे पास में T54 आ गई. अब हमें क्या निकालना है कि विच टर्म ऑफ AP विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म. सो वी विल सपोज दैट लेट nth टर्म इज 132 मोर देन T54. Means Tn is equal to
132 मोर देन T54 मीन्स 639, राइट। Tn होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू, और अगर इसको ऐड कर लें तो 11, 7 और 7, 7, 7, 1, a की वैल्यू 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 12 इज इक्वल टू 7, 7, 1, देयरफॉर n माइनस 1 इंटू 12 इज इक्वल टू 7, 7, 1 माइनस 3, मीन दिस विल बी 768, ओके। फिर अब हम 12 से इधर डिवाइड कर दें तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 768 डिवाइडेड बाय 12, 12, 6, 72, 4 बचा 48, सो दिस इज 4 टाइम, सो n विल बी इक्वल टू 64 प्लस 1 मीन्स 65, तो 65th टर्म ऐसी होगी जो 54th टर्म से भी 132 ज्यादा होगी, ठीक है। चलिए आगे देखें, टू APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, अब यहां पे सेम कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म। अब ये इस तरह के क्वेश्चंस रहते हैं जो एकदम से माइंड में लाते हैं कि अगर 100 टर्म्स का डिफरेंस 100 है तो 1000वीं टर्म का डिफरेंस 1000 होना चाहिए, लेकिन ये आंसर गलत है, ये भी 100 होगा। अब हम इसको देख लेते हैं कैसे। सो टू APs हैव सेम कॉमन डिफरेंस, सो इन सॉल्यूशन लेट फॉर फर्स्ट AP, अगर हम लें फर्स्ट टर्म A1 ले लें और कॉमन डिफरेंस ये सेम है दोनों में, हाँ, तो ये D है। ऐसे ही फॉर सेकेंड AP, फर्स्ट टर्म तो अलग होगी, फर्स्ट टर्म इसको अगर हम A2 ले लें लेकिन सेम कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस वो सेम है, मतलब D ही है ना, डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म, तो यहां से दिस विल इंप्लाई T100, ये हो जाएगा A1 प्लस 100 माइनस 1 मतलब 99D, ये 100th टर्म है फर्स्ट AP की, और इसी तरह से 100th टर्म सेकेंड AP की, अगर हम सपोज करें T-100 है, सो दिस इज A2 प्लस 99D हो जाएगा। अब यहां क्या दिया हुआ, डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100, सो इट इज गिवन से दिस इज गिवन T100 माइनस T-100 इज इक्वल टू, ये दिया हुआ है 100, T100 क्या होगा A1 प्लस 99D माइनस T-100 क्या होगा A2 माइनस नो प्लस 99D इज इक्वल टू 100। जब इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो प्लस 99D और माइनस 99D कैंसिल हो जाएंगे, एंड दिस विल बी A1 माइनस A2 इज इक्वल टू 100,
ये आ गई, ठीक है। सपोज दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन। अच्छा, जैसे हमने यहां पे 300 निकाला, ऐसे ही 1000th टर्म भी निकाल सकते हैं। सो फ्रॉम हियर T1000 विल बी इक्वल टू A1 तो एज इट इज रहेगा, और प्लस 1000 माइनस 1 मींस 999D। ऐसे ही यहां से T-1000 ये भी होगा A2 प्लस 999D, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 1000th टर्म, मतलब इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। सो देयरफॉर T1000 माइनस T-1000 विल बी इक्वल टू T1000, वो है A1 प्लस 999D माइनस T-1000, ये है A2 प्लस 999D, ठीक है। जब दोनों का ये ब्रैकेट खोलेंगे तो 999D और ये माइनस 999D दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये हो जाएगा A1 माइनस A2। लेकिन बाय फर्स्ट इक्वेशन A1 माइनस A2 इज 100, सो दिस विल आल्सो बी 100। तो डिफरेंस बिटवीन 100th टर्म वो भी 100 है, और डिफरेंस बिटवीन 1000th टर्म वो भी 100 ही आएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि हाँ 1000th टर्म का डिफरेंस 1000 होगा, ये गलत है ना। चलिए आगे देखें। अब देखिए, हाउ मैनी 3-digit नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। अभी हमने क्वेश्चन किया था 2-digit के नंबर्स का, अब 3-digit के नंबर्स का हम देखें, है ना। तो इन सॉल्यूशन, अब जैसे हमने 2-digit के नंबर का पहला नंबर निकाला था जो डिविजिबल है 7 से, यहाँ पे 3-digit के नंबर्स में से हमको निकालना पड़ेगा कि कौन सा पहला नंबर है जो डिविजिबल है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए 3-digit के नंबर्स की शुरुआत कहाँ से होती है, 100 से। 100 को अगर हम 7 से डिवाइड करें, 7 से डिवाइड करें तो 1 टाइम ये 7 हो गया, 3 और यहाँ पे 0, 4 टाइम्स 28, तो ये बचा 2। इसका मतलब 100 में से अगर 2 हम कम कर दें तो क्या आ रहा है, 98। ये नंबर इससे डिविजिबल है, तो ये तो 2-digit का नंबर हुआ। अगर इसमें हम 7 ऐड कर दें तो हमारे पास में पहला नंबर आ जाएगा 3-digit का, जो कि 7 से डिविजिबल है। तो इसमें अगर हम 7 ऐड करें तो ये 105 आ जाएगा। तो पहला नंबर जो कि 3-digit का है और 7 से डिविजिबल है वो होगा 105। अगला नंबर हो जाएगा, इसमें 7 ऐड कर दें तो 112, इसमें 7 ऐड कर दें तो 119, एंड सो ऑन, ठीक है। इसी तरह से हमको अगर लास्ट नंबर चाहिए जो 3-digit का हो और इससे डिविजिबल हो, तो हम क्या करें, 999 इसको 7 से डिवाइड कर दे, है ना। तो
वन टाइम सेवन, टू बचा यहाँ पे नाइन, फोर टाइम 28, फिर यहाँ पे बचा वन और फिर से नाइन. सो दिस इज डिविजिबल बाय टू टाइम, सो 14. अब यहाँ पे बचा फाइव. ठीक है, तो इसमें से अगर हम फाइव सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास में लास्ट नंबर आ जाएगा जो थ्री डिजिट का है, जो कि इससे सेवन से डिविजिबल होगा. तो अगर हम इसमें से फाइव कम करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 994. ठीक है, 9994. ठीक है, सो दिस इज द लास्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय दिस. तो लास्ट नंबर आ रहा है 994. और इसमें पूछा हुआ है हाउ मैनी, मतलब ये कितने नंबर्स हैं. दिस इज एपी. तो यहां पे एपी में ए इज इक्वल टू 105 और कॉमन डिफरेंस 7 का है. और इसको हम सपोज कर लें कि ये टीएन है. तो लेट टीएन इज इक्वल टू 994. टीएन मतलब ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी, दिस इज इक्वल टू 994. ए की वैल्यू 105 प्लस एन माइनस वन इन टू कॉमन डिफरेंस इज 7 इज इक्वल टू 994. सो एन माइनस वन इन टू 7 इज इक्वल टू 994 माइनस 105, राइट. सो दिस विल बी 9, देन 8 एंड देन 8 8 8 9. therefore n minus 1 is equal to 8 8 9 upon 7. 7 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे वन टाइम, फिर वन बचा यहाँ पे 18 हो गया, टू टाइम्स 14 हो गया, फिर फोर बचा, फिर 7 टाइम्स, तो 7 7 49, राइट. और वन को इधर शिफ्ट कर दिया तो n इज इक्वल टू 127 प्लस 1 मीन्स 128. इसके अंदर 128 टर्म्स होंगी जो कि 7 से डिविजिबल है. नंबर ऑफ टर्म्स 128 आएंगी. ठीक है, चलिए आगे बढ़े. फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ दिस एपी एंड दिस एपी आर इक्वल, तो हमको n की वैल्यू निकालनी है इन दोनों एपीज के लिए. सो फर्स्ट एपी, इसके अंदर फर्स्ट टर्म है 63, कॉमन डिफरेंस d ये है 65 माइनस 63, मतलब 2 हो गया. और दूसरी एपी में सेकंड एपी, इसमें सेकंड एपी में फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू दिस इज a इज इक्वल टू a इज इक्वल टू a इज इक्वल टू हियर दिस इज 3, देन d इज इक्वल टू 10 माइनस 3 मीन दिस इज 7.
अब हमको ये पूछा हुआ है कि nth टर्म इन दोनों की कौन सी वैल्यू n के लिए इक्वल होगी, तो tn इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी मीन्स दिस इज 63 प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज 2 मीन्स दिस इज इक्वल टू 63 प्लस 2n माइनस 2 मीन्स दिस इज 61 प्लस 2n n. And suppose here this is t dash n or tn here and this also. This is a plus n minus 1 into d means this is a is 3 plus n minus 1 into d is 7 means this is equal to 3 plus 7n minus 7 means this is minus 4 plus 7n. लेकिन ये दोनों equal है. It is given ये दिया हुआ है कि 61 plus 2n is equal to माइनस 4 प्लस 7n. इसको इधर शिफ्ट कर दें तो 61 प्लस 4 इज इक्वल टू 7n माइनस 2n मीन्स 65 इज इक्वल टू 5n. तो n इज इक्वल टू 65 अपॉन 5 मीन्स 13. मतलब 13वीं टर्म, इसकी 13वीं टर्म निकालेंगे और इसकी 13वीं टर्म निकालेंगे तो वो दोनों सेम आएगी. सो 13th टर्म इज सेम इन बोथ दिस.